नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ नौबतपुर में और बागेश्वर धाम सरकार जो कि अभी आ रहे हैं तो यहाँ इनका मेरा लवकेट जो 10,000 रुपये का था मेरा लवकेट काट लिए सोए हुए में। ठीक सर, और चप्पल अभी नया खरीद के आ रहे हैं, चप्पल मेरा ले लिया। चप्पल जो कि 4 बजे जो कथा है वो 4 बजे होगा और मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी श्रद्धालु जो कि आ रहे हैं जा रहे हैं, जो कि अभी सुबह का समय है, लगभग 7:30 बज रहा है। और आप लोगों को बता दें कि देखिए सब लोग जा रहे हैं, हालांकि मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। रास्ता काफ़ी, एक वाहन भी देखिए, गाड़ी भी चूँकि इस वजह से चल रही है और गाड़ियां काफ़ी रोक दी गई हैं, जो कि आगे पे रोक दी गई हैं। और ये देखिए, देख रहे हैं, और ये अभी सुबह का माहौल है जो कि देखिए जा रहे हैं। ये सामने देखिए, देखिए ये दादा लोग जो कि जा रहे हैं, तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि कहाँ से जा रहे हैं। तो आप लोग कहाँ से आए हैं अंकल जी, कुछ बताएंगे? कहीं कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं तो राजस्थान के रहने वाला। राजस्थान से आए हैं क्या? यहाँ पे आए हैं पंडित जी के यहाँ? अच्छा, महाराज जी से मिलने के लिए? मिलने के नहीं, नहीं, कथा सुनने के लिए। अच्छा, कथा सुनने के लिए आए हैं? अगर मिलेंगे तब अच्छा, और अच्छा खर्चा बनेगा तो और भी अच्छा। अच्छा, यहाँ कई दिन रहेंगे आप? रहने की भी प्लानिंग है कि आज ही भर आप? रहने की प्लानिंग है। तो कैसा लगा यहाँ नौबतपुर में आके आप? बहुत अच्छा लगा। यहाँ के वासियों को कहना, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते हैं, और काफ़ी लोग जो कि आ रहे हैं तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो क्या कहे आप? अब तो यहीं के हैं? हम लोग यहीं के हैं, हम भी कुछ दे दें। हाँ, जो देखिए बताएंगे तो ये होगा कि हम लोग यहाँ पे देखिए काफ़ी दूर से जो कि चल के यहाँ पे जो कि नौबतपुर में आए हुए हैं। तो देखिए अंकल जी आए हुए हैं काफ़ी दूर से, बता रहे हैं कि जो बाबा जी के शरण में हो, जो चीज़ बोलना चाहेंगे वो बोलेंगे, बताएंगे कि क्या वो कहना चाहते हैं। ऐसा है, हम तो पश्चिम चंपारण से चल कर आए हैं। अच्छा, और सुने हैं कि बाबा का दिव्य दृष्टि है। अच्छा, तो ऐसी हमारी भी कामना है कि उनसे मिलकर हाँ कुछ अच्छा प्राप्त करें जी, है ना, और भी लोग यहाँ जुटे हाँ, है ना, और लाभ पाएं। तो क्या लगता है आपको, यहाँ पे काफी जो जनता आई हुई है एकदम? हाँ, और ये जनता तो इतना आ रही है हाँ कि मैंने अभी, आप तो सुबह सुबह ही चल के आए हुए हैं यहाँ पे, उम्मीद से ज्यादा है। उम्मीद से ज्यादा है यहाँ? हाँ, उम्मीद से ज्यादा लग रहा है। और साफ सफाई भी काफी अच्छा, काफी है, अच्छा है, अच्छा है रोडों की। और ऐसा लग रहा है कि भविष्य में भी ऐसा और जगह भी होना चाहिए, होना चाहिए। और यही सब बात है। चलिए, हम लोगों की शुभकामना है कि बाबा का जो दर्शन हम लोग पा लें और हमारी जो मनकामना है पूरा हो जाए, है ना। इसलिए तो देखिए महिलाएं लोग आ रही हैं बाहर से। देखिए मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी लोग जो कि आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और जो कि जो जानकारी है मैं आप लोगों को देने की बराबर कोशिश में लगे रहेंगे। मिलते हैं आप लोग साथ नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए जय हिंद। आपकी जो चैनल है, क्या है, यूट्यूबर है? हाँ हाँ, अरुण ब्लॉगर के नाम से। मेरा अरुण ब्लॉगर के मेरी शुभकामना है कि आप सक्सेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी जाए, है ना। और बाबा का जो चमत्कार है आप लोग दिखाएं, हाँ, दिखाने के प्रयास में आप लोग दिखाने का प्रयास करें, है ना। धन्यवाद। चलिए अंकल जी धन्यवाद। और दोस्तों मिलते हैं और आगे आप लोगों को पल पल के जो कि अपडेट देते रहेंगे, लगभग यहाँ सुबह से शाम तक हम लोग देते रहेंगे। चलिए आगे चल के। मेरा वही घर ही होता है, नालंदा खंडहर, कपटिया गांव बोलता है, नोना कपटिया जी, मेरा घर वही है। और उनसे हम मिलने के लिए चाह रहे हैं, उनके बाबा से आएंगे तो भेंट होगा ना सर? बिल्कुल हो जाएगा जी, उनसे हमें मिलना है सर। हमें नालंदा खंडहर घर हुआ, हम यहाँ आए हुए हैं झूला में सर। जी सर, और क्या नाम है, एक और बता सकते हैं कि नहीं? क्या क्या? मेरा लवकेट जो 10,000 रुपये का था मेरा लवकेट काट लिए सोए हुए में। ठीक सर, और चप्पल अभी नया खरीद के आ रहे हैं, चप्पल मेरा ले लिया। चप्पल जो चप्पल और खाली लवकेट बस सर, और कुछ भी नहीं। चलिए जी, मेरा यही नियम है सर, और कुछ भी नहीं है। तो बाबा से आश्रय आप लगाए हुए हैं कि आपका जो लॉकेट है वो मिल जाए, इसके प्रचार वर्चा खुलवाने के लिए आए हैं क्या आप? नहीं सर, हम झूला वाला आदमी। अच्छा, झूला वाले हैं आप जी। तो क्या परेशानी थी आपको, क्या कह रहे, कहना चाहते हैं? सोए हुए थे, मेरा काट के लिए गया। अच्छा, यहीं पे? यहीं पे, ये जो बर वाला पेड़ है ना सर? हाँ हाँ हाँ, जो बर वाला पेड़ है जी, यहीं पे मेरा लगा हुआ है ट्रेन वाला झूला। अच्छा जी, और आपका काट के लेके चले गए शाम को सोते हुए? काट के लेके चले गए। कब की ये बात है? ये परसों का बात है, कल का भी बात नहीं। अच्छा, परसों से ही आप लोग 3-4 दिन से यहाँ पे पहले से ही आए हुए थे? नहीं, 4 दिन हो गया मेरा। अच्छा, 4 दिन हो गया है आपको आने हुए जी। चलिए, 17 तक हमें रहना है सर। हाँ हाँ, 4 दिन हो गया। चलिए।